स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो सीरीज में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। हाल में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधार जन कल्याण राष्ट्र पोर्टल लॉन्च किया है। इसके साथ ही वंचित समुदाय के 1,00,000 उद्यमियों के लिए ऋण सहायता को भी स्वीकृति दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य समाज के सबसे वंचित वर्गों का उत्थान करना है। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में वंचित समूहों के विभिन्न सरकारी योजनाओं के लगभग 3,00,000 लाभार्थियों की भागीदारी देखी गई, जिसमें देश भर के 470 से अधिक जिलों के लोग शामिल हुए। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में वंचितों को वरीयता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि भी देखी गई। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि जिन लोगों को ऐतिहासिक रूप से कम सेवा दी गई है या उनकी अनदेखी की गई है, उन्हें उनका हक दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त नमस्ते यानी नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम के तहत शिविर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट वितरित की जाएंगी। अब अगर आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड की बात करें तो यह भारत सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जारी पहचान का एक रूप है। बता दें, यह लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस स्वास्थ्य सेवाएं पहुँच प्रदान करता है। इस कार्ड में लाभार्थियों के बारे में आवश्यक जानकारी होती है, जिसमें उनकी विशिष्ट पहचान संख्या और कवर की गई स्वास्थ्य सेवाओं का विवरण शामिल है। अब अगर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट के बारे में जाने तो इस किट में विभिन्न सुरक्षात्मक वस्त्र और सहायक उपकरण शामिल होते हैं, जो व्यक्तियों को संभावित स्वास्थ्य खतरों या संक्रमण से बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस प्रकार की किटों में आमतौर पर मास्क, दस्ताने, चश्मा, फेस शील्ड, गाउन और जूता कवर जैसी चीज शामिल है। यह किट फ्रंटलाइन श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उन लोगों की जो खतरनाक वातावरण या संक्रामक बीमारियों जैसे कि शिविर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों के संपर्क में हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने कई रोजगार योजनाएं शुरू की हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान, पीएम स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आदि। आपको यह वीडियो सीरीज कैसी लगी? आप एचपी सोलंकी स्टडी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।